बोटनिकल गार्डन्स। अब यहां से जो भी बातें होंगी वो किसी भी तरह के रिलीजन से या किसी भी तरह के पुराने कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड नहीं, दे आर मोस्ट मोर और लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइंस। अब जो गार्डन्स की बात करें वो ज्यादातर साइंस से इन्फ्लुएंस्ड है, साइंस की एडवांसमेंट से इन्फ्लुएंस्ड है। यहां पर जो भी आपको देखने को मिलेगा दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ऑल एग्जाम्पल्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, जैसे कि मुगल एंड बुद्धिस्ट गार्डन। बोटनिकल गार्डन को ज्यादातर हम गार्डन के तौर पर नहीं देखते, इसे किसी और तरीके से देखा जाता है, जैसे कि इट्स अ काइंड ऑफ सिंपली अ प्लेस हू आर और हू इज लोडेड विद अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कलेक्शंस ऑफ प्लांट्स। यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स को कलेक्ट करके रखा हुआ होता है, राइट? एंड व्हाई सच काइंड ऑफ प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड एट सच काइंड ऑफ प्लेसेस, इट इज सिंपली फॉर सर्टन रीजंस। बोटनिकल गार्डन्स का मेन यूज टैक्सोनॉमिकल स्टडीज या क्लासिकल प्लांट स्टडीज में किया जाता था, राइट? ओके, और इसीलिए इस जगह पर आपको कई सारे कलेक्शंस मिलेंगे लिविंग प्लांट या फिर प्रिजर्व्ड प्लांट्स के, राइट? द बेसिक एम जो इसके पीछे था वो सिंपली था साइंटिफिक रिसर्च। नाउडेज सम न्यू roles we can say it is added into the botanical garden concept that is called conservation. Then along with the conservation, awareness and education, right? ये सारी चीजें जो botanical garden है वो करती है, that is a basic role of botanical garden, or we can say this is the overall concept of botanical gardens. अगर थोड़ी सी मोटी मोटी बातें करें तो पता चलता है कि approximate 148 कंट्रीज के अंदर जितने भी बोटनिकल गार्डन्स हैं ये सब मिला करके अप्रोक्सीमेट 5 मिलियन लिविंग प्लांट्स तक इकट्ठा कर चुके हैं। मतलब आज हम हमारे आसपास में पाए जाने वाले बहुत सारे प्लांट्स के बारे में जानते हैं, राइट? वी हैव स्टडीड अप्रोक्सीमेट 5 मिलियन लिविंग प्लांट्स एंड वी आर हैविंग द एग्जाम्पल्स, और वी कैन से the preserved materials and living plants, right? हमारे पास इतनी documentation हो चुकी है। अब ये कुछ बातें बताई गई हैं कि भाई history किस तरह की है botanical gardens की, कि botanical gardens का जो history है वो आज का नहीं है, काफी पुराना है। ये बात कुछ Egyptian era की बात हो रही है, ancient Egypt के समय से ही बोटनिकल गार्डन जैसा कुछ कंसेप्ट चला आ रहा है। मतलब उस समय भी लोगों को बोटनिकल गार्डन, जिसे आज हम बोटनिकल गार्डन कह रहे हैं, उस समय बोटनिकल गार्डन नहीं कहा जाता था, उस समय गार्डन्स कहा जाता था, मेडिसिनल गार्डन्स कहा जाता था। उस समय इस तरह के गार्डन्स हुआ करते थे, बट उनका काम कुछ और हुआ करता था, राइट? जैसे कि इजिप्शियन गार्डन, इजिप्शियन समय की बात करें तो उस समय मोस्टली जो भी गार्डन्स हुआ करते थे दे आर well known for their medicinal plants, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ medicinal plants के बारे में study होती थी। medicinal plants को cultivate करना, medicinal plants को लेकर के उसके properties को study करना, means ज़्यादातर जो भी studies थी they are medicine concentric, कह लो medicine के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता था, correct? लेकिन धीरे धीरे उन मेडिसिनल प्लांट्स या मेडिसिनल गार्डन्स के अंदर कुछ और चीजें भी ऐड कर दी गई, राइट? क्या? प्लेजर, कि भाई अब वो गार्डन में जाओ तो खाली मेडिसिन के बारे में मत सोचो, वहां जाने के बाद आपको अच्छा भी लगे, तो इस ऐसा हो इसके लिए कुछ और ऐसे अट्रैक्टिव प्लांट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, राइट? अट्रैक्टिव प्लांट्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद फिर उसमें और भी काफी सारे जो है समय के साथ चेंजेस हुए, बदलाव हुए, और आज जो बोटनिकल गार्डन्स हैं उनके अंदर हम कुछ अलग सा अपीयरेंसेस देख सकते हैं। मींस नाउ नाउडेज द बोटनिकल गार्डन्स दे आर कंप्लीटली डिफरेंट, दे आर वी कैन से वेल ऑर्गेनाइज्ड, हाईटेक हो चुके हैं, राइट? क्या क्या चीजें होती हैं, रोल्स ऑफ बोटनिकल गार्डन्स अभी हमने पढ़ लिया, थोड़ा थोड़ा कुछ मैंने बता दिया कि भाई ये सारे इनके रोल्स हैं, करेक्ट?
फिर भी तो शुरुआती समय में जब बोटनिकल गार्डन्स थे उनका क्या रोल था भाई हिस्ट्री में? इनिशियल टाइम पे हमने कह दिया इजिप्शियन एंशियंट इजिप्ट में भी बोटनिकल गार्डन जैसा कुछ हुआ करता था, लेकिन उस समय उसका मेन एम क्या था, किस लिए यूज करते थे? सिर्फ और सिर्फ मेडिसिनल प्लांट्स, करेक्ट, और उनकी स्टडी करना कि भाई जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनकी हीलिंग एबिलिटीज क्या है, वो क्या क्या चीजें ठीक कर सकती हैं एक्सेट्रा। बट धीरे धीरे जब काफी सारे बदलाव आए, कैसे बदलाव आए, कुछ ऐसी चीजों को भी इंट्रोड्यूस किया गया जो कि अब सिर्फ मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू वाले नहीं है, राइट राइट। सो प्लेजर गार्डन, दैट इज अ सर्टन मॉडिफिकेशन अंडर दिस मेडिसिनल गार्डन या एंशियंट बोटानिकल गार्डन। बदलाव आए ये सारे समय के साथ, और भी बदलाव आए, जैसे कि आज अगर हम बात करें करंट टाइम की बात करें, सो आज कुछ और चीजें इन बोटानिकल गार्डन्स में इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं। Nowadays, these botanical gardens, what we are having in our surrounding, they are also dealing with such kind of things, the conservation, education, and awareness, right? So conservation, yes, definitely. These botanical gardens are dealing with the conservation, right? Along with that, definitely they are the best place to study about the plants, the different types of plants, the different categories of plants, means you'll get a lot of literature regarding any kind of plant present in that area. Along with that, nowadays these botanical gardens, they are one of the best place to create awareness. Kyun awareness create karne ke liye sabse sahi jagah hai? Kyunki ab in botanical gardens mein kuch aur bhi cheeze shuru ho chuki hai. Nowadays, these botanical gardens, they are doing such kind of activities, commercial activities. है ना? कि अगर किसी जगह पर कोई botanical garden present है, तो उस botanical garden के अंदर रोजाना कई हजार लोग visit करते हैं. क्यों? Because these botanical gardens, they are the kind of representative of some kind of information, some kind of plants, जिनको देखने के लिए शायद आपको जंगल जंगल भटकना पड़े, राइट? और अगर कोई आपके ऐसा बॉटनी वाला स्टूडेंट है और आपको पता चलता है कि किसी बोटनिकल गार्डन में ऐसे ऐसे पौधे हैं जो कि कुछ यहाँ के हैं, कुछ बाहर के, एग्जॉटिक हैं, तो डेफिनेटली आप जाओगे, क्योंकि एक जगह पे आपको बहुत कुछ सीखने को देखने को मिलेगा, करेक्ट? सो दैट्स व्हाई नाउडेज दीज आर अ काइंड ऑफ प्लेसेस फॉर टूरिज्म। सो टूरिज्म एक्टिविटी होने की वजह से, पहली बात तो ये कि टूरिज्म एक्टिविटी शुरू क्यों कराई गई, तो टूरिज्म एक्टिविटी शुरू कराने की एक ही वजह है ताकि उन बोटनिकल गार्डन्स के मेंटेनेंस के लिए लगने वाले जो पैसे हैं वो बनाए जा सके, जनरेट किए जा सके, है ना? हमने बात की थी नेशनल पार्क जैसे एरियाज में जो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं उनके अंदर कुछ ही दूरी तक ह्यूमन एक्टिविटीज परमिसिबल होती है ना? और पर्पसली ऐसे कुछ जोन्स बनाए जाते हैं जहां पर लोकल्स या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज को परमिट किया जाए, इट इज सिंपली कि विजिटर्स आएंगे, देखेंगे, वहां के बारे में जानेंगे, एंड अलोंग विद ऑल दीज थिंग्स व्हाट विल गेट जनरेटेड, सम अमाउंट ऑफ मनी विल गेट जनरेटेड एंड दैट मनी विल यू दैट कैन बी यूजफुल फॉर मेंटेनेंस ऑफ दैट एंटायर एरिया। सो बोटनिकल गार्डन्स भी अब अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपने टेक्नोलॉजीज को एडवांस करने के लिए टूरिज्म का सहारा ले रही है, कमर्शियल प्रोडक्शन किए जाते हैं। कमर्शियल प्रोडक्शन क्या होता है? नाउडेज बोटनिकल गार्डन्स दे आर प्रोपोगेटिंग सम प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स उगाते हैं और सेल करते हैं मार्केट में, करेक्ट? कई सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स उगाते हैं, सेल करते हैं, दे आर मोर लेस वर्किंग लाइक ए नर्सरीज, right? But not the whole botanical garden they are working as a nursery. A certain part, they are also dealing with such kind of things simply to generate some kind of revenues. Correct? Tourism enhance करने से फायदा ये होता है कि कई हजार लोग रोजाना आते हैं, and that is I think the best place to create awareness.
राइट, जहाँ हजारों में लोग रोज आते हैं, वहां पर अवेयरनेस जैसी चीजें आसानी से की जा सकती है, करेक्ट? एंड दैट्स व्हाई द बोटनिकल गार्डन्स नाउडेज दे आर डूइंग ऑल दीज एक्टिविटीज, कंजर्वेशन, अवेयरनेस, एजुकेशन वो पहले से दे रहे हैं प्लांट्स के बारे में, करेक्ट? ओके, तो आज के बोटनिकल गार्डन्स अलग, पुराने बोटनिकल गार्डन्स अलग, पुराने बोटनिकल गार्डन्स कहने नहीं चाहिए बट ओरिजिन उनका वहीं से, तो वो टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मॉडर्न बोटनिकल गार्डन, जो मॉडर्न बोटनिकल गार्डन्स हैं आज के एडवांस वाले हाईटेक, उनके अंदर आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो ये तो पुराना है, कुछ नया नहीं है, हर्बेरियम मिलता है, हर्बेरियम इज सिंपली द प्लेस वेयर द प्रिजर्व प्लांट्स, है ना, ऐसी जगह जहां पर प्लांट्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है। लाइब्रेरी, जहां पर बहुत सारी किताबें हों, लेकिन किससे रिलेटेड, प्लांट लिटरेचर से रिलेटेड। ग्रीन हाउस, राइट, ग्रीन हाउस अगेन इट्स अ कंपोनेंट अंडर बोटनिकल गार्डन, कि सारे पौधों को आप ओपनली ग्रो नहीं कर सकते, कहीं पर भी ग्रो नहीं कर सकते, हो सकता है कोई एंडेंजर्ड प्लांट हो, कोई यूनिक एनवायरमेंटल कंडीशन में मिलता हो, तो उन्हें इस तरह के ग्रीन हाउसेस में ही ग्रो किया जाता है। हाईटेक टिश्यू कल्चर लैब्स, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ग्रीन हाउस, सॉरी बोटनिकल गार्डन नाउडेज। सीड बैंक, राइट, सीड बैंक, याद रखिए बोटनिकल गार्डन्स में जाने के बाद आपको लगेगा ये पौधा बहुत अच्छा है, मींस दिस प्लांट्स आर मे बी दे आर मोर अट्रैक्टिव, सो यू वांट टू ग्रो दोस प्लांट्स, यू वांट टू टेक दोस प्लांट्स एट योर प्लेस, आपको इतना बड़ा प्लांट आप कैसे कैरी करोगे, सो यू कैन बाय द सीड्स व्हिच इज अवेलेबल इन टू द सीड बैंक ऑफ दोस बोटनिकल गार्डन्स। लिविंग कलेक्शन जोन, दैट इज अ काइंड ऑफ एरिया विच इज एक्चुअली फिल्ड विद ऑल काइंड ऑफ प्लांट्स इन देयर लिविंग फॉर्म। देखते हैं, ये लिविंग कलेक्शन जोन है, ठीक है, यहां पर सारी जिंदा चीजें पाई जाती है, सारे जिंदा पौधे। ये जाइंट लिली है, जाइंट वाटर लिली, ठीक, यहां पर आसानी से, हाँ तो ये भी जिंदा ही है ना, लिविंग कलेक्शन जोन है, करेक्ट। मेडिसिनल गार्डन, राइट, एंड द लास्ट वन नर्सरी, मतलब आज अगर आप किसी बोटनिकल गार्डन में विजिट करने जाते हो तो आपको ये सारी चीजें उस एक जगह पर देखने को मिलेंगी, तो कोई क्यों नहीं जाए बोटनिकल गार्डन, आपको लैब देखने को मिलेगा टिश्यू कल्चर का, आपको हर्बेरियम सेंटर देखने को मिलेगा, लाइब्रेरी देखने को मिलेगी, मीन्स इट्स वन ऑफ द प्लेस वेयर यू कैन गेट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर रिगार्डिंग एंशियंट लिटरेचर, रिगार्डिंग द प्लांट्स, द करंट सिचुएशंस, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, सारा कुछ, राइट, और ऐसा एंजॉयमेंट भी मिलेगा बच्चों को। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बोटनिकल गार्डन्स के। सबसे पहला द बिगेस्ट बिगेस्ट बोटनिकल गार्डन, क्यों बोटनिकल गार्डन, क्यों बोटनिकल गार्डन, क्यों बोटनिकल गार्डन, कुछ नहीं हो सकता,
this another view of that same place. One of the biggest, one of the well-maintained botanical garden ke taur par, kyu botanical garden ko jana jata hai? Right? ये एक एग्जाम्पल हो गया बाहर का. एग्जाम्पल देसी भी ले लेते हैं, इंडिया का. दिस इज रॉयल बोटेनिकल गार्डन कलकत्ता, राइट. और आप जो फोटो देख रहे हो, ये फोटो है जाइंट बनियन ट्री का. जाइंट बनियन ट्री इसलिए क्योंकि ये ऐसा बनियन ट्री है जो कि गिनीज बुक में भी है. ये इतना बड़ा है, इतना वास्ट कैनोपी वाला है, जितना बड़ा बैनियन ट्री आज तक कहीं पर भी देखने को नहीं मिला. देखते हैं कैनोपी को. अगर देखना है तो कैनोपी कुछ इस तरह से फैला हुआ है, राइट. कई सारे ब्रांचेस, और हर एक ब्रांच से क्या निकला हुआ है, प्रॉप रूट्स, एंड दे आर बिहेविंग एज अ पिलर्स. और इस वजह से जो पूरा का पूरा अपर ब्रांचेस है वो काफी किलोमीटर में फैला हुआ, राइट. देखते हैं, ये कुछ जानकारी है, जरा समझिए. ढाई सौ साल पुराना पौधा है. सबसे पहली बात, फाइकस बेंगालेंसिस का. अप्रोक्सीमेट 1.6 हेक्टेयर में फैला हुआ है, एंड 3,618 प्रॉप रूट्स है. 3,618 प्रॉप रूट्स है, ठीक. प्रॉप रूट्स ट्री एक, और प्रॉप रूट्स 3,618. कुछ अदर पार्ट्स इस बोटनिकल गार्डन के, क्या है ये? ओके, राइट. ये कुछ अलग अलग जो पोर्शंस हैं इस बोटनिकल गार्डन के, वो मैं बता रहा हूँ. अगेन यू कैन सी दिस जाइंट लिलीज, वाटर लिलीज. कलकत्ता में भी ये हैं, ठीक है. आप भी यहाँ जा सकते हो, और यहाँ जाकर के यहाँ बिठा सकते हो इसे. राइट. Right?